और अब ये फाइनली कुछ ऐसी है, मैं आप लोगों को अंदर से दिखाऊं। लेट्स सी हियर इट इज ना। तो मैं आ रहा हूँ, मेरे को रॉक्स का टेस्ट ड्राइव लेना है। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज हम लोग जा रहे हैं थार का ट्रायल लेने, काफ़ी वेटिंग के बाद। और मेरे फ्रेंड अनस खान जो कि आर्किटेक्ट हैं, इमरान खान जो कि इंजीनियर हैं, और लेट्स सी हम लोग देखते हैं। आप लोगों ने कॉल कर दिया थार के लिए, कॉल कर दिया है टेस्ट ड्राइव के लिए, बुक कर दी है गाड़ी, और जिसका इतने टाइम से हम वेट कर रहे थे फाइनली वो शोरूम में आ गई है टेस्ट ड्राइव के लिए। तो देखें कि फाइव डोर थार कैसी लगती है करीब से, और चला के उसकी परफॉर्मेंस जानेंगे। आपने उसकी वीडियोस देखी तो कौन सा कलर आपको स्पेसिफिक लग रहा है कि हाँ वो व्हाइट ही उसका सबसे बेस्ट लग रहा है? जैसे ये मेरी BMW का, ये भी व्हाइट ही है। हाँ, बट उसमें भी मैं व्हाइट ही लेना प्रेफर करूंगा, बेसिकली हॉट सीजन्स में वो बहुत अच्छी रहती है, कूल रहती है गाड़ी। बाकी हम ब्लैक पे भी देखेंगे कलर, अगर ब्लैक उनके पास अवेलेबल होगा तो वो भी ट्राई करेंगे। एक कलर आई थिंक उन्होंने एक न्यू लॉन्च करा है, आई थिंक वो ब्लूइश शेड के अंदर है ना, वो कलर भी एक बार हम देखेंगे जरूर कि वो सामने से कैसा लगता है। यहाँ जेके रोड पे एक महिंद्रा का शोरूम है। हाँ, बाय नेम तो जानता नहीं हूँ, बस फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड। उसमें अभी मेरे एक फ्रेंड ने यहाँ से एक गाड़ी परचेज की है रिसेंटली, ओके, तो उसके थ्रू मैंने अभी वहाँ कॉल करवा के, अब देखते हैं। मैंने मेरे फ्रेंड ने बेसिकली राहुल जायसवाल, अभी स्कॉर्पियो एन ली थी आपसे, है ना। तो मैं आ रहा हूँ, मेरे को रॉक्स का टेस्ट ड्राइव लेना है, और उसका पूरा कंडीशन वगैरह बताइए फिर, है ना। मेरे को अभी कुछ ऐसी डिटेल नहीं है, वो आपसे जैसे जानूंगा अभी कौन सा वेरिएंट लेना चाहिए, कौन से में फ़ायदा है कौन से में नहीं। तो आप शोरूम में, शोरूम के बाहर ही हो, वाइट कलर की कार है। फाइनली वी आर अराइव्ड, और यहाँ पे आई थिंक रोड बन रहा है तो थोड़ा पार्किंग इशू है। आई थिंक यू टर्न होगा आगे से कुछ ना कुछ, लेट्स सी। शोरूम पीछे निकल गया है, रीज़न ये है कि रोड बन रहा है तो हम लोग आगे से देखने जा रहे हैं कि यहाँ से राउंड अबाउट हो कहीं से तो हम वापस जा सकें। सो यू मच वेरी एक्साइटेड अबाउट फर्स्ट टाइम सी अ थार रॉक्स कुछ? हां, रियली आई एम सो एक्साइटेड अबाउट दिस कार। लेट्स सी हियर इट इज, लुक एट द फर्स्ट लुक। ये तो ज्यादा अच्छा है इससे, है ना। तो इट्स मेकिंग यू नो कमिंग दैट थार। फर्स्ट टाइम क्या लुक अराउंड रहा आपका देख के? बहुत इंतजार करवाया है इसने, पर बहुत वेट करवाया है। आई थिंक ये कब आने वाला था सेगमेंट, और काफ़ी सनरूफ देख के तो कमाल ही कर दिया है ना की गाड़ी में, बहुत टाइम से बहुत आई थिंक यू नो एक्सपेंड कर दी। तो वो जो एक फीचर है ना कि आप ये गेट भी आसानी से जो ओपन हो सकता है,
आप आराम से सेट अराउंड कर सकते हैं। हाँ, मतलब है ना, तो ये हमारे चैनल पे आ चुकी है थार रॉक्स, बहुत बड़ा है और आई थिंक ये 20 इंच है। हाँ, अच्छा, इसके इंटीरियर में भी चेंज है, मैं आप लोगों को बता दूं, जो कि थार में था और अब ये फाइनली कुछ ऐसी है, मैं आप लोगों को अंदर से दिखाऊं। तो लेग स्पेस भी बहुत अच्छा है देखा जाए तो, और आई थिंक मेरी हाइट 6 है तो मेरा सर भी आसानी से, ऐसा कुछ नहीं हो रहा कि वो टकरा रहा है एंड ऑल, और बहुत अच्छी है आई थिंक फील है जब आप बैठोगे इसके अंदर तभी समझ पाओगे। वाह, दिस इज़ यू नो समथिंग बेटर, परफेक्ट। आई थिंक ये गाड़ी परफेक्ट है। और अभी इसको लेके चल चले अपन लोग, मेरा तो दिल यही चाह रहा है। हाँ, देखने के बाद तो वैसे भी, हाँ हाँ Look at the front view. अंदर बैठने के बाद आप क्या कहेंगे इस गाड़ी के बारे में? हाँ, काफ़ी स्पेशियस है और लग नहीं रहा कि हम पुरानी थार में, ये बिल्कुल नया मेकओवर कर दिया है। आप रेट देखी? सो फाइनली अब हम घर जा रहे हैं और थार हम लोगों ने देख ली है जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है। आप लोगों का क्या ख्याल है थार रॉक्स को देखने के बाद? बहुत प्रीमियम गाड़ी लगी, बेस्ट है, बेस्ट है, बेस्ट गाड़ी है, बेस्ट है और स्ट्रॉन्ग है, टफ है। हाँ, और ओल्ड थार तो उसके आगे अब बहुत वीक लग रही है, बिल्कुल ही चेंज है ये बात तो है। हाँ, ये मतलब वैल्यू फॉर द मनी है और ज़्यादा कोई खास रेट में फ़र्क नहीं है। 25 लाख में ऑन रोड आपको वो पड़ रही है एक तरीके से देखा जाए तो, टॉप वेरिएंट। करेक्ट। और जो उसकी पैनोरामिक सनरूफ है तो उसके तो क्या ही कहते हैं, टॉप मॉडल में जो तो लाजवाब, बेस्ट। टॉप मॉडल के अंदर जो सनरूफ उन्होंने एक्सपेंड करा है, वो जो सेकंड टॉप है जो उन्होंने थोड़ा मिनी रखा है, मिनी इन द सेंस ऑफ कि थोड़ा छोटा कर दिया, शॉर्ट कर दिया। हाँ, तो आई थिंक वो भी बहुत एक ठीक है, वो तो टॉप वेरिएंट में तो आना ही चाहिए, वो तो आजकल कॉमनली आ ही रहा है।